ओम शांति आज 30 मार्च 2022 है और आज प्यारे बाबा ने विशेष हम बच्चों का टेंशन खिंचवाया है कि हमें एक बाबा की श्रीमत पर ही चलना है बाबा को अपनी मत नहीं देनी है जितना जितना हम निश्चय बुद्धि होकर बाबा की श्रीमत का पालन करते हैं उतना उतना हम बच्चों की उन्नति होती रहती है आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर एकाग्र हो बैठने वाले राजयोगी स्वराज अधिकारी भव जब हम एक योगी को इमेजिन करते हैं योगी शब्द जब हमारे मन में आता है तो एक व्यक्ति जो एक आसन पर बैठा है कमर और पीठ सीधी है टांग पर टांग चढ़ाए हैं और उसके सामने चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो चाहे आग हो उसकी स्थिति को वो डगमग नहीं कर रहे बिल्कुल एकाग्र है ये तो हुई हठयोग योग की बात लेकिन प्यारे बाबा ने हम बच्चों को राजयोग सिखलाया है और राजयोग सहजयोग है और ये सहज योग ही हमें स्वराज अधिकारी भी बनला बतलाता है बनाता है बाबा ने हम बच्चों को भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन दिए हैं हमें अपनी टांग पर टांग तो नहीं चढ़ानी लेकिन अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करना है वो कौन से आसन हैं जो बाबा ने हम बच्चों को दिए बाबा ने हमें स्वमान की स्थिति दी है भिन्न भिन्न स्वमान जब हम एक एक स्वमान को स्मृति में लाते हैं और उस स्वमान में टिक जाते हैं उसका स्वरूप बन जाते हैं बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया है कि हम ब्राह्मण सुफ फरिश्ता है तो हम फरिश्ता स्थिति में स्वयं को जब एकाग्र कर लेते हैं ये भी हमारा आसन है कभी लाइट हाउस बनके सारे विश्व को प्रकाश देना सकाश देना और कभी माइट हाउस बन जाना तो बाबा ने हम बच्चों को भिन्न भिन्न स्थितियों के रूप में भिन्न भिन्न आसन दिए हैं इन आसन पर बैठने के लिए हमें अपने मन बुद्धि और संस्कारों के ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल चाहिए जब चाहें जितनी देर तक चाहें हम मन और बुद्धि को ऑर्डर करें और उस स्थिति में टिक जाए यदि ऐसा नहीं होता तो आप इमेजिन करिए अगर कोई योगी आसन पर बैठा है और एक दो सेकंड के बाद ही उतर जाए फिर दूसरा आसन चुन ले तो उसे योगी नहीं कहेंगे क्योंकि योगी अर्थात स्थिरियम तो आज हम अपने मन बुद्धि और संस्कारों को अपने कंट्रोल में कर स्वयं को राजयोगी स्वराज अधिकारी का टाइटल याद रखें ये वरदान याद रखें और भिन्न भिन्न स्थितियों का हम एकाग्र होकर अनुभव करें ओम शांति